गाइज वेलकम टू माई चैनल। टूडे आई एम गोइंग टू मेक अ स्पार्कल शीट फ्लावर्स। तो सबसे पहले आप स्पार्कल शीट की बात हो रही है तो स्पार्कल शीट तो हमें चाहिए ही, तो हम स्पार्कल शीट दे रहे हैं। मैंने ब्लैक कलर का लिया हुआ है, आप अपनी फेवरेट कोई भी कलर ले सकते हो। मैंने ये स्पार्कल शीट लिया हुआ है और मैंने ये बैंगल लिया हुआ है, इससे मैं इसको यहाँ पे सर्किल कर ले रही हूँ। टू सर्कल कर ले रही हूँ क्योंकि मैं टू फ्लावर्स बनाने जा रही हूँ, तो मैं दो सर्कल्स कर ले रही हूँ और इन दो सर्कल्स को मैं कट कर लेती हूँ। जब तक हम कट कर रहे हैं तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड देखिए मैंने एक कटिंग कर ली हुआ है, दूसरा कटिंग भी मेरी होने वाली है। दूसरी कटिंग भी रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें इस तरीके से पेंसिल से ऐसे डिजाइन बना करके तब कटिंग कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन एक में मैंने आपको करके दिखा दिया है, आप उस तरीके से कटिंग कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं कटिंग हमारी। बहुत आराम से आपको कट करना है जिससे ये राउंड बहुत प्योरली आए, ये टेढ़े मेढ़े टाइप से नहीं हो। और देखिए ये मैंने एक कट कर लिया। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये स्पार्कल शीट जो की है वो ग्लू लगा हुआ वाला स्पार्कल शीट है। एक विद ग्लू आता है, एक विदाउट ग्लू आता है, तो मैंने ये विद ग्लू वाला लिया हुआ है। आप चाहो तो विदाउट ग्लू भी ले सकते हो, लेकिन विद ग्लू वाला जो होता है मुझे बहुत ईजी पड़ता है। उसे सर्कल जिस तरीके से है राउंड करती जा रही हूँ और फिर ये फ्लावर हमारा रेडी हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग इसको उतना फैला सकते हो। देखिए कि हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। सो ये रहे हमारे दोनों फ्लावर्स रेडी हो चुके हैं। आप इनको कहीं भी किसी भी स्क्रैप बुक पे या कोई भी शो पीस में लगा सकते हो।